तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा होंगे और अच्छी रहनी भी चाहिए। और गाइस, अभी ऐसा है ना कि अभी तो बिग बॉस देखने में सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं बता नहीं सकता इतना मज़ा आ रहा है। और मैं जब से इलविस यादव आया है तब से मैंने सारा के सारा वीडियो देखा हूँ, सारा एपिसोड देखा हूँ उसका। और अभी जो भी था, मज़ा आता है देखने में, भाई पूछो ही मत। मतलब अभी तक मैंने जितना भी सीजन देखा उसमें सबसे अच्छा और बेस्ट दो ही लगा। एक वो था जो आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला ये सब, और एक ये वाला। हालांकि ये वाला बिग बॉस उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन भाई जब से क्या है ना, जब से इलविस यादव एंट्री मारा है तब से भाई देखने की मज़ा ही कुछ और है। मतलब हर एक मोमेंट मिस नहीं करता। मतलब मैं मोबाइल से तभी नज़र हटाता हूँ जब ऐड आता है, तभी हटाता हूँ, ऐसे नहीं आता है। ऐसे मेरा नज़र उस पर से नहीं हटता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अभी देखने में इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो मत। एक एक जो उसमें टास्क मिलता है वो एक अलग रहता है भाई। और सबसे मज़ा तब आता है जब उसका एल्विस का और अविनाश का लड़ाई होता है, वो वाला सीन भाई गजब लगता है। और वो तो समझो मतलब उसका फोटेज थोड़ा बहुत मिल भी गया तो वो एल्विस के द्वारा मिला है, क्योंकि वो हमेशा फलक है उसके साथ बैठ के, ऐसे बगल में बैठ के बकचोदी करता है और कुछ तो होता नहीं उसको, क्योंकि हालांकि उतना फैन फॉलोइंग भी नहीं है उसका। मतलब टीवी सीरियल एक्टर है और क्या। और ये एल्विस यादव है भाई, यूट्यूबर है, इतना फैन फॉलोइंग है कि अगर बाहर निकलता है तो पूरा जाम हो जाता है उसका। तो ये लोग मतलब एल्विस के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है, अविनाश भी कुछ नहीं है, नई फलक है, नई जिया, ये सब कुछ भी नहीं है उसके सामने किसी भी फील्ड में। फैन फॉलोइंग हो या पावर हो, पैसे हो, कुछ भी हो, मतलब इस सब चीज़ों में बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। सो गाइज, अभी कल के एपिसोड में एक सीन था जब वो मनीषा, एल्विस, फुकड़ा इंसान और एक और है, वो यार उसका नाम क्या है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम है। तो वो लोग साथ में बैठे थे तो तकिया फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर और उसके नाम बोल बोल के। तो जिया के नाम बोला तो उसको एल्विस ने ऐसे फैट से मार के मतलब इधर बिस्तर से नीचे फेंक दिया। उसके बाद क्या होता है कि अविनाश का नाम लेता है कि ये अविनाश है। उसके बाद अविनाश वाला फेंकता है तो उसका भाई एक अलग, मैं बता नहीं सकता वीडियो में, आप देखो। उसके बाद पता चल जाएगा कि वो तकिया वो किधर रखा। मतलब बहुत ही मतलब एडल्ट बात है, उधर रखा। मैंने उसका स्टोरी भी लगाया तो मुझे अच्छा लगा उस चीज़, वो चीज़ अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका स्टोरी लगाया। और गाइस, एक चीज़ हमको पसंद नहीं आया, जब अविनाश को जो सीक्रेट टास्क दिया गया था कि एल्विस कैप्टनसी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई एल्विस से उसका फटता है, जमता नहीं है। एक तो उसके बंदी पे वो लाइन मारता है एल्विस, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि फलक जो भी है वो एल्विस को पसंद भी करती है। बस अब सामने भाई उसका बॉयफ्रेंड है तो ऐसे अचानक सीधे कैसे बोल देगा कि एल्विस आई लव यू। तो वो एक टास्क था जिसमें एल्विस जिस कंटेस्टेंट के साथ जो भी कुछ करना चाहता था वो कर सकता था। तो फलक से बोलता है कि बोलो एल्विस आई लव यू, मतलब बोलती है, घुमा के बोलती है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलती है, बोलती है बट घुमा के बोलती है। लेकिन वही वो टास्क अच्छा लगा। और एक और चीज़ है, वो अविनाश का बहुत उसका फटता है। लेकिन एक चीज़ तो है गाइस, बिग बॉस देखने में मज़ा बहुत आता है, मुझे तो बहुत आ रहा है और हमें जहाँ तक लग रहा है जो देखते हैं उसे भी आता होगा, नहीं आने का सवाल हो ही नहीं सकता, बहुत मज़ा आता है। और गाइस, जब भी एक सीन आता है जब अविनाश और एल्विस का लड़ाई होता है वो तो भाई अलग सीन रहता है, वो देखने लायक रहता है। सो गाइस, अभी शाम भी हो गया है तो उतना भाई क्लियर नहीं आ रहा है फोटोज, तो अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए। लेकिन उसका लड़ाई भाई देखने वाली रहता है। और बेचारा फुकड़ा इंसान भी गुस्सा कर जाता है। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा फुकड़ा इंसान का कि ये जो क्या है, गोविंदा का भांजा, उसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा है,
उसने पूछा फुकड़ा इंसान का कि पहले तुम घर में दोस्त बनाते हो और उसके बाद पीठ पे छुरा मारते हो, तो एल्विस के बारे में ही बोल रहा था। तो एक बहुत अच्छा रिप्लाई देता है फुकड़ा इंसान कि एल्विस मेरा अपना भाई है, इंड तक साथ दूंगा। मतलब ये वाला सीन गजब लगा और ये बात सही भी है। एक तो बहुत दोनों जने एक तो बहुत करीबी हैं और उसके बाद भी दोनों यूट्यूबर हैं, तो सिंपल है कि एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार का ट्रॉफी एल्विस यादव ही जीतेगा। हालांकि एक चीज़ था, आज मैंने वोटिंग किया तो एल्विस तीसरे नंबर पे था। सो गाइस, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ आप वोट करो, जल्दी से डाउनलोड करो जियो सिनेमा ऐप और वोट करो एल्विस यादव को, सपोर्ट करो उसको। क्योंकि भाई हमें उस चीज़ को सपोर्ट कर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एल्विस को ही करो, क्योंकि वो एक अच्छे तरह से खेल रहा है बिग बॉस को, और जो अच्छा रहता है उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जो दूसरों को हेल्प करता है। मतलब समझ सकते हो ना, अविनाश है उसका भाई अलग ईगो है, तो उसको तो सपोर्ट करेंगे नहीं, वैसे भी नहीं करेंगे, ईगो हो या ना हो भाड़ में जाए। तो एल्विस यादव को सपोर्ट करो क्योंकि बहुत अच्छा बंदा है। हालांकि दूसरी की बंदी पे लाइन मारता है अलग बात है, हर कोई मारता है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:05 बज रहे हैं, सॉरी 6 बज रहे हैं। सो गाइस, सच में इतनी जल्दी धूप निकल गया है सुबह सुबह। अभी सोया था बट इतनी ज़ोर से धूप निकल गया कि आँख खुल गया, क्योंकि खिड़की से धूप अंदर आ रहा था ना। सो गाइस, आप सबको पता ही होगा कि कल का जो एपिसोड था बिग बॉस का वो नहीं देखा मैं, क्योंकि सोने तो गया था लेट से ही, लेकिन देख नहीं पाया, कुछ दूसरे चीज़ देखने में टाइम पास हो गया तो वो बिग बॉस देख नहीं पाया। और वैसे भी मेरा डाटा ख़त्म था, और एक भैया है जो उनका 5G है, तो 5G अभी अनलिमिटेड देता है, तो वो भी नहीं थे साथ में, तो देख नहीं पाया। तो ये कोई नहीं गाइस, तो आज देख लेंगे, दिन में देख लेंगे उसका जो भी एपिसोड है रात वाला वो देख लेंगे। लेकिन जो भी है देखने में बहुत अच्छा लगता है अभी बिग बॉस। सो गाइस, अगर आप लोग नहीं वोट किए हो तो आप जल्दी से जाओ जियो सिनेमा पे और वोट करो और एल्विस यादव को सपोर्ट करो, उसे सपोर्ट करो। वैसे भी बहुत सारे वोटों से आगे है एल्विस यादव, लेकिन फिर भी मतलब जीत होनी चाहिए। तो एक जीत होता है, एक जीतना होता है, तो जीत होता है, जीत होना चाहिए। तो आप सब जाके एल्विस यादव को वोट करो। और अभी वोटिंग टाइम भी चालू होगा, ऐसा नहीं कि बंद होगा, चालू हुआ हर सेकंड के 5-2 मिनट 1 मिनट के बाद चालू कर देता है, तो वो आप कर सकते हो, जब मन तब वोट कर सकते हो उनको।